आज होगा एक घमासान मुकाबला यूएई और जर्मनी के बीच में। ये वीडियो बहुत ही जबरदस्त होने वाली है उन सभी लोगों के लिए जो दुबई और जर्मनी जाना चाहते हैं। आज हम पूछेंगे बहुत ही तीखे सवाल निखार से, जो कि दुबई में रहती हैं और इंडियंस अब्रॉड चैनल से हैं, और फिर शिल्पा से, जो कि जर्मनी में रहती हैं और फ्लाइंग अब्रॉड यूट्यूब चैनल से हैं। तो फिर शुरू करते हैं आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो, लेट्स गो। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर की अगर मैं बात करूं, वैसे तो बहुत ज़्यादा लाइक जर्मनी में सारी ही जॉब्स हैं, और अगर एवरेज सैलरी पहले बताऊं तो जर्मनी में 45,000 से लेके 55,000 फ्रेशर की सैलरी हो सकती है। फिर अगर वालों को कुछ साल का एक्सपीरियंस हो गया तो 60,000 to 65,000 ईयरली पैकेज होगा। सॉफ्टवेयर इंजीनियर पर्टिकुलरली अगर 2 साल का एक्सपीरियंस है तो मे बी 60,000 यूरोज के अराउंड रहेगा। तो मंथली सॉफ्टवेयर इंजीनियर का 5,000 यूरोज रहेगा सैलरी। तो उस 5,000 यूरो में कोई टैक्स आपको पे करना पड़ता है? यस, तो ऑन एन एवरेज 42% जैसे टैक्स रहता है जर्मनी में, तो उसमें अगर टैक्स कट जाएगा तो उसमें ऑलमोस्ट 3,000 यूरो आपका इन हैंड हो जाएगा। वैसे तो बहुत सारी टाइप की टैक्स क्लासेस हैं, सो इट डिपेंड्स, बट ऑन एन एवरेज वो ले दे के 42% आपके डिडक्शन हो ही जाते हैं, जिसमें आपका टैक्सेस होता है, फिर सोशल कॉन्ट्रीब्यूशन होते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस, अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस और जैसे पेंशन वगैरह सारा इंक्लूडेड होता है, तो वो सारा डिडक्ट होकर फिर 3,000 यूरोज आपका इन हैंड हो जाएगा। तो दुबई में इसी सेम पोजीशन के लिए आपको मिलेगा 15,000 to 18,000 दिरहम्स, और बिकॉज दुबई में बिल्कुल भी टैक्सेस नहीं है तो कोई टैक्स डिडक्शन नहीं होता, इनकम टैक्स नहीं होता, तो जितनी भी आपकी सैलरी है ऑन पेपर्स यू विल गेट द एग्जैक्ट अमाउंट इन योर बैंक अकाउंट एवरी मंथ। तो जर्मनी में जैसे यूनिवर्सल हेल्थ केयर है तो हेल्थ इंश्योरेंस मैंडेटरी है, चाहे आप पब्लिक ले लो या प्राइवेट ले लो, बट मोस्टली लोगों ने सबने पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस लेके रखी होती है, और पब्लिक में 7.5% जो भी आपकी सैलरी का पार्ट है वो आप डिडक्ट करवाते हो, और उतना ही फिर आपका एम्प्लॉयर पे करता है। सो बेसिकली वो आप अपनी सैलरी से कटवा रहे हो एंड देन इट्स सेड कि वो फ्री है, बट एक्चुअली आप कुछ तो पे करते हो उसका। सो यूएई में मोस्टली सारे एम्प्लॉयर जो है, अगर आप कहीं पर जॉब करते हैं तो आपका एम्प्लॉयर आपका इंश्योरेंस का पे करता है, एंड यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग फॉर दैट। और डिपेंड करता है कि आप क्या कौन सी जॉब प्रोफाइल है, किस पोजिशन पर है, तो उसके ग्रेड के अकॉर्डिंग डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, तो उस हिसाब से आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है। तो वैसे तो कोई भी तरह का इंश्योरेंस आपको कुछ भी पे नहीं करना पड़ता, पर कहीं कहीं पर कोपे होता है जिसमें आपको बहुत ही कम अमाउंट, यानी कि जैसे 50 दिरहम सिर्फ पे करना पड़ता है, दैट इज द मैक्सिमम, दैट्स ऑल यू हैव टू पे। टू बी एच के लिए एक्चुअली जर्मनी में बहुत डिपेंड करता है कि आपका घर कहाँ है और कौन से सिटी में है। जैसे म्यूनिक वगैरह काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, बर्लिन की साइड में थोड़े रेंट्स कम होते हैं, बट ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूँ सो 2 BHK का मंथली आपका 1500 से लेकर 2000 यूरोज रेंट हो सकता है, और अगर ईयरली देखो तो 20,000 से 30,000 आप अपना रेंट में पे कर दोगे। और दुबई जैसे सिटी में काफ़ी डिफरेंट एरियाज हैं, तो रेंट आपका रेंज करेगा 2 BHK का 80,000 दिरहम से लेके 150,000 दिरहम तक, जो कि एनुअल रेंट हुआ। और अगर आप दुबई के बाहर कहीं पर रह रहे हैं दूसरे एमिरेट्स में, जैसे कि शारजा या अजमान में, तो वहाँ पर ऑब्वियसली रेंट्स बहुत कम होंगे, तो आपको 30,000 से 50,000 में भी वही घर मिल जाएगा। तो डिपेंड करता है अगेन, क्योंकि हर रेंज में सुपरमार्केट्स हैं वहाँ पे, बट ऑन एन एवरेज जैसे अगर मैं एग्जांपल दूँ हमारा, कि एक कपल विद अ किड अंडर 2 years 3 years में भी आपका ऑन एन एवरेज 350 से लेके 450 यूरोस मंथली ग्रोसरी हो सकती है। और दुबई में आपका वही चीज़ सेम आपको पड़ेगा 1500 दिरहम से 2000 दिरहम तक के बीच में फॉर अ कपल विद अ स्मॉल बेबी। इट ऑल्सो डिपेंड्स कि आप किस तरह का खाना खाते हो, किस तरह की चीज़ें कंज्यूम करते हो, सो ऑल्सो डिपेंड ऑन द क्वालिटी ऑफ द फूड। अगर आप फ्रेश खाते हो ज़्यादा या फ्रोजन खाते हो, तो जैसा हमारा लाइफ स्टाइल है, हम सब कुछ बहुत फ्रेश खाते हैं, कुछ भी फ्रोजन आइटम्स नहीं कंज्यूम करते, पैकेज आइटम्स नहीं कंज्यूम करते, तो हमारा ऑन एन एवरेज 1500 से 2000 दिरहम होता है। तो
तो हमारा कंपैरिजन ठीक चल रहा था, बस आपको ये सवाल नहीं पूछना चाहिए था। मतलब किसी की दुखती रग होती है वो नहीं दबानी चाहिए। तो बात ऐसी है कि ये वाले नाम भी शायद आप ना ही लो। यूरोप अगर जा रहे हो तो भूल जाओगे ऐसा कोई कॉन्सेप्ट होता है, तो खुश रहोगे। बेसिकली वहाँ पे बहुत ही ऐसा मतलब वहाँ पे कल्चर ही नहीं है ये हाउस हेल्प वाला, तो इसलिए बहुत ही मुश्किल है वहाँ ये अफोर्ड करना, क्योंकि मिनिमम वेजेस इतनी रेगुलेट करके रखी हुई है, इतना वैसे ही मतलब लोग ही नहीं है वहाँ पे जो ये सब स्किल्ड वर्कर्स की इतनी शॉर्टेज है, तो फिर बहुत मुश्किल है ये सब अफोर्ड कर पाना। बट एक चीज़ होती है आउपेयर, तो वहाँ वो क्या होता है, नैनी आप अपने बच्चे के लिए रख सकते हो, उसमें आप जैसे किसी को बुला सकते हो कोई भी कंट्री से जो जो अलाउड है, एंड देन आपको उनको हेल्थ इंश्योरेंस देनी होती है, अपने घर में एक रूम देना होता है और उनको जर्मन का कोर्स करवाना होता है, और प्लस यू हैव टू गिव समथिंग टू हर, तो उसकी कॉस्ट आपकी अराउंड 900 यूरोस पड़ जाती है मंथली, बट वो भी कॉमन नहीं है, वो बहुत कम ही लोग रखते हैं वैसा। तो यहाँ पर डोमेस्टिक हेल्प होना, हाउस हेल्प होना बहुत ही कॉमन है, और जितने लोगों को भी हम जानते हैं हमारे आसपास जितने लोग हैं सबके पास हाउस हेल्प है, उसमें भी डिफरेंट कैटेगरीज है। अगर आपके पास बेबी है और आपको फुल टाइम चाहिए, लिविंग चाहिए, तो आप उसको स्पॉन्सर करके बुला सकते हो, आपके घर में रहेगी फुल टाइम, आपका सारी चीज़ें बेबी का लुक आफ्टर करेगी। बट अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो कि आपके साथ में कोई रहे, आपको अपनी प्राइवेसी भी चाहिए, तो लिव आउट भी होती है जो सुबह आके रात को चली जाती हैं, या फिर अगर आप सिर्फ एक कपल हो, आपको कुकिंग के लिए और क्लीनिंग वगैरह के लिए चाहिए, तो एक घंटे के लिए दो घंटे के लिए आप बुला सकते हो, या फिर कुछ लोग हफ्ते में दो बार तीन बार बुलाते हैं, कुछ लोग सिर्फ कुक रखते हैं या फिर सिर्फ क्लीनर्स रखते हैं या सेपरेट डिफरेंट डिफरेंट रखते हैं, बट हर एक के पास हाउस हेल्प होती है और यहाँ पर सब लोग ये चीज़ प्रेफर करते हैं, बिकॉज ईजिली सब कुछ अवेलेबल है, तो इसलिए हम लोगों की सबकी लाइफ बहुत सॉर्टेड होती है। और यहाँ पर बहुत ही कम देखने को मिलेगा कि कोई खुद से घर का काम और ये सारी चीज़ें कर रहा है, बिकॉज एवरीवन हैज हाउस हेल्प। और गाइज, अगर आप चैनल पे नए हैं तो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए हम बता दें कि हम दुबई, अजरबैजान, आर्मेनिया, जॉर्जिया जैसी कंट्रीज़ के लिए ट्रैवल पैकेजेस प्रोवाइड कराते हैं, वो भी बहुत ही बेस्ट प्राइस पे। तो अगर आपको फ़्लाइट, होटल, वीज़ा, साइट सीइंग जैसी कोई भी रिक्वायरमेंट है या पूरा ऑल इंक्लूसिव कंप्लीट पैकेज चाहिए, तो आप हमें इस ईमेल एड्रेस पर ईमेल कर सकते हैं, और आप हमारे रिव्यूज़ हमारी वेबसाइट पर या इंस्टाग्राम के रिव्यू सेक्शन में जाके देख सकते हैं। आप एक और वैसा सवाल ले आए जो अगेन दुखती रग है, तो अगेन हाँ, जैसे कि जर्मनी बहुत ज़्यादा जर्मन डोमिनेटेड वैसे कंट्री है, लैंग्वेज ऑफ कोर्स वो अपनी वही प्रेफर करते हैं। मैं जैसे 5 साल पहले जर्मनी गई थी तब तो बहुत ज़्यादा डोमिनेंस था, लेकिन अभी रिसेंटली लास्ट 2 ईयर्स में मैंने देखा है कि जर्मनी हो रहा है थोड़ा थोड़ा इंग्लिश स्पीकिंग की तरफ जा रहा है, लेकिन अभी आई थिंक दे आर फार 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 अवे फ्रॉम बीइंग ए यू नो गुड इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री। तो लैंग्वेज डेफिनेटली बहुत बड़ा बैरियर है, वर्क मतलब आप पे वर्क के टाइम पे रहेगा ही रहेगा, डे टू डे लाइफ में भी ऑफ कोर्स काफ़ी बड़ा बैरियर है लैंग्वेज का वहाँ पे। तो दुबई में क्योंकि 85% जो पॉपुलेशन है वो एक्सपैट्स की है और सिर्फ 15% यहाँ पर लोकल्स हैं, तो यहाँ पर अरबिक का तो बिल्कुल भी कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, मोस्टली जो कॉमनली सबसे ज़्यादा बोली जाती है वो इंग्लिश ही है, सबको यहाँ पर इंग्लिश आती है, तो इंग्लिश ही सबसे ज़्यादा कॉमनली स्पीकिंग लैंग्वेज है। बट उसके अलावा यहाँ पर इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, इंडियन, पाकिस्तानी, नेपाली, बांग्लादेशी, तो अगर आपको इंग्लिश नहीं भी आती होगी तब भी आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप आराम से सबसे हिंदी में बात कर सकते हैं, तो मोस्ट लोगों को यहाँ पर हिंदी भी आती है। हाँ, तो जर्मनी में ऑफकोर्स अभी धीरे धीरे जैसे इंडियंस का बढ़ना जाना वहाँ पे शुरू हुआ है, जैसे मैं अगेन मैं बताऊंगी कि कुछ सालों पहले जब मैं गई थी तो इतने इंडियंस नहीं थे, बट अभी 2020 के बाद से, लॉकडाउन के बाद से, क्योंकि इतना ज़्यादा यूट्यूब पे भी है ना कंटेंट हो गया है, तो लोगों का भी ऐसे लग रहा है इंडियंस का फ्लड आ चुका है जर्मनी में, और अभी धीरे धीरे मतलब वो टाइम दूर नहीं है जब शायद जर्मनी भी US या UK के जैसे एक हैविली इंडियन पॉपुलेशन वाला कंट्री बन जाएगा। तो अभी मतलब रिसेंटली इतने ट्रिपल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आए हैं जर्मनी, तो अभी बढ़ रहा है इंडियंस का पॉपुलेशन जर्मनी में, बट स्टिल इतना ज़्यादा नहीं है। लाइक अगेन अगर आप जैसे बर्लिन, फ्रैंकफर्ट, म्यूनिक ऐसे बड़े सिटीज़ में रह रहे हो तो आपको कुछ एरियाज ऐसे मिल जाएंगे जहाँ पे इंडियंस हैं, आपके ऑफिस में आपको कुछ इंडियन कलीग्स मिल जाएंगे, बट अगर आप ये एक्सपेक्ट करोगे कि आपको यू नो एक पूरा बड़ा सर्कल हो आपका और आपके पास में वैरायटी ऑफ लोग हैं फ्रेंड्स चूज़ करने के लिए, तो उतने ऑप्शंस आपके पास नहीं रहेंगे। और जैसे फेस्टिवल्स वगैरह की बात करें हम, तो बड़े शहरों में अगेन आपको कोई एक जैसे एक दो गुरुद्वारे, एक दो मंदिर वगैरह मिल जाते हैं, बट हर शहर में आपको नहीं मिलते हैं। और पीपल डू ट्राई टू सेलिब्रेट कि दिवाली पार्टी रख दी, डांडिया पार्टी जैसे रख दी, बट ऐसा नहीं है कि एक ही शहर में 4 जगह वो चीज़ें हो रही हैं, यू विल हैव टू फाइंड कि कहीं कुछ हो रहा हो,
तो यू नो एक जैसे थोड़े बहुत लोग मिलके जैसे वहाँ कर सकते हैं, तो मतलब पीपल आर ट्राइंग, जो थोड़े बहुत लोग हैं वहाँ, कि वो यू नो जितने भी लोग हैं उनके साथ में कल्चरली इन्वॉल्व होकर अपना एक माहौल क्रिएट करें, बट वो वैसी फील नहीं आती. यू टोटली फील आउट ऑफ इंडिया एंड बिकॉज ऑफ लैंग्वेज बैरियर यू फील मोर आउट ऑफ प्लेस. मतलब वो थोड़ा सा लगता है इस चीज़ का बैरियर, इन्वॉल्वमेंट वाला, इंटीग्रेशन वाला. और यहाँ पर जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इंडियंस की है, तो अगर आप कहीं पर जा रहे हैं अपनी कंट्री से बाहर और आप चाहते हैं कि आपको ऐसा ना लगे कि आप अपनी कंट्री से बाहर हैं, तो आई थिंक दुबई इज़ रियली द बेस्ट प्लेस, बिकॉज यहाँ पर आपको हर जगह इंडियन खाना, इंडियन लोग, इंडियन लैंग्वेज, कल्चर, फेस्टिवल सब कुछ मिल जाएगा. तो अगर जैसे कि अगर दिवाली की बात करें, तो यहाँ पर आपको हर घर में लाइट लगी हुई दिख जाएंगी काफ़ी सारी जगहों पर, तो आपको पता चल जाएगा इन इन घरों में इंडियंस रहते हैं. तो हमें दिवाली पे भी ऐसा नहीं लगता कि हम इंडिया से बाहर हैं, ना ही हमें ईद पे लगता है, बिकॉज हमारे इतने सारे मुस्लिम फ्रेंड्स हैं, पाकिस्तानी फ्रेंड्स हैं. तो जैसे हम इंडिया में दिवाली भी मनाते हैं, ईद मनाते हैं, होली मनाते हैं, सारे फेस्टिवल मनाते हैं, वैसे ही सेम तरीके से हम यहाँ पर भी इतने साल से रह रहे हैं और हमारा बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल है मुस्लिम्स का, नॉन मुस्लिम्स का, तो हम यहाँ पर भी इंडिया के सारे फेस्टिवल्स बहुत ही ग्रैंड लेवल पे सेलिब्रेट करते हैं. अगेन, तो इट ऑल्सो डिपेंड्स कि आपने प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस ले रखी है कि पब्लिक ले रखी है. प्राइवेट में कंपैरेटिवली वेट टाइम थोड़ा कम रहता है और इट्स लिटिल इजी टू गेट स्पेशलिस्ट का अपॉइंटमेंट. पब्लिक में क्योंकि ज़्यादा लोगों ने वही ले रखी है तो वेट लॉन्ग रहता है. तो इट डिपेंड्स अगेन, जैसे मान लो आपको अगर डेंटिस्ट का अपॉइंटमेंट लेना है या फिर कोई ऐसी चीज़ है जो वेट कर सकती है, मान लो फेस का लेना है, तो एक एक साल भी आपको वेट करना पड़ सकता है. और 3 से 4 महीने तो बहुत ही कॉमन है कि मान लो आपने आज फ़ोन मिलाया तो अगले हफ्ते तो कुछ नहीं मिलेगा. 3 महीने के बाद में कुछ चीज़ें होंगी जो बोल देंगे 3-4 महीने बाद में, और कुछ चीज़ें ऐसी भी होंगी जो अगले साल आओ आप, क्योंकि मतलब शायद कम है वहाँ पे डॉक्टर्स, इसीलिए शायद जर्मनी चाहता है कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स मतलब एक मोस्ट डिमांड प्रोफेशन है. लेकिन ये चीज़ हमने एक्सपीरियंस करी है कि अगर कुछ ऐसा है विच कांट वेट, तो वो फास्ट प्रोसेस हो जाता है और इमरजेंसी में आप कभी भी जा सकते हो. डॉक्टर का अपॉइंटमेंट ना मिले बट हॉस्पिटल, अगर आपको मान लो हाथ कट गया या एकदम आप फीवर में बेहाल हो या फिर कुछ ऐसा हो गया विच नीड्स अर्जेंट अटेंशन, तो आप इमरजेंसी में हॉस्पिटल जाके यू कैन गेट इट ट्रीटेड. बट इमरजेंसी के लिए वो एक्चुअल इमरजेंसी होनी चाहिए, ऐसे हर चीज़ इज़ नॉट एक्सेप्टेड. तो यहाँ पर इन सब चीज़ों की कोई प्रॉब्लम नहीं है हेल्थ केयर को लेकर. अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप डायरेक्ट वॉक इन भी जा सकते हैं, तब भी आपको स्पेशलिस्ट, डॉक्टर सब मिल जाएंगे. और अगर आप अपॉइंटमेंट भी लेंगे तो आपको सेम डे का, नेक्स्ट डे का कभी कभी अपॉइंटमेंट मिल जाएगा. इट्स वेरी ईजी, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल्स हैं, बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स हैं, तो आपको अच्छी से अच्छी फैसिलिटी मिल जाएगी. और बिकॉज आपका इंश्योरेंस जो है वो आपका एम्प्लॉयर पे करता है, तो आप बहुत ही बेस्ट से बेस्ट हॉस्पिटल में जाके अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं. जैसे कि यहाँ पर लोग 5-star, 7-star सूट में डिलीवरी करवाते हैं, वो इतने लग्जूरियस रूम्स होते हैं, तो आप नॉर्मली ऐसे ही किसी भी लग्जूरियस हॉस्पिटल में जाके अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं. तो जर्मनी में वैसे तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि जैसे हमने जो बुक्स में बचपन में पढ़े थे ना कि ऑटम होता है, स्प्रिंग होती है, समर होती है, विंटर होती है, वो एक्चुअली आप सब कुछ जर्मनी में एक्सपीरियंस करते हो. और बाकी अगर दो मोटा मोटा बात करें हम कि सर्दी गर्मी, तो ऑलमोस्ट 5 से 6 महीने की आप समर एक्सपीरियंस कर लेते हो और फिर 4 से 5 महीने की बहुत ही एक्सट्रीम विंटर रहती है, जिसमें से 3 महीने तो इतना अनबेरेबल होता है कि स्नो हो रही है, बाहर जाने के लिए यू नो 10 लेयर करो आप, तो वो थोड़ा सा एक्सट्रीम रहता है. बट समर फिर उतनी ही अच्छी है. जैसे दुबई में अभी मैं देख रही हूँ, मैं बैठी हूँ यहाँ, तो अभी जैसे वहाँ विंटर में बुरे हाल है, लेकिन यहाँ हम समर में इंजॉय कर पा रहे हैं. बट ये मौसम आपको वहाँ समर में मिल जाता है, तो वैसे बहुत अच्छा है समर. तो यूएई में स्प्रिंग, ऑटम, रेनी ऐसा कोई भी सीज़न नहीं होता है. यहाँ पे या तो समर होता है या तो आई वोंट से विंटर्स विंटर, बट मे बी माइल्ड विंटर या प्लेजेंट वेदर आप बोल सकते हैं. तो 5 महीने का आई थिंक अक्टूबर से लेके अप्रैल तक बहुत ही अच्छा वेदर होता है, बहुत ही प्लेजेंट होता है. आपको जैकेट, स्वेटर्स भी पहनने की ज़रूरत नहीं होती और इतना मतलब बाहर गर्मी भी नहीं होती. यू डोंट नीड इवन एयर कंडीशन इन दोज मंथ्स. बाकी टाइम समर होता है जिसमें ऑब्वियसली यू कांट एंजॉय आउटडोर, तो बट वो भी आपकी लाइफ को बिल्कुल भी इम्पैक्ट नहीं करता समर्स में भी, बिकॉज आपका ऑफिस, घर, कार सब कुछ एयर कंडीशन है. और यहाँ पर रनिंग के लिए, स्पोर्ट्स के लिए हर चीज़ इंडोर बनाई हुई है. इतने सारे टूरिस्ट अट्रैक्शन सब इंडोर हैं, सब कुछ एयर कंडीशन है, तो आपके वो डेली लाइफ पे, आपके लाइफस्टाइल पे बिल्कुल भी उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है. अनटिल अनलेस कि आप टूरिस्ट हैं और आप बाहर जाके घूमना चाहते हैं और
बीचेस या ये सारी जगह एंजॉय करना चाहते हैं तब शायद आपको थोड़ी गर्मी फील होगी। तो गाइज ये सिर्फ जैसे फैक्ट्स हैं और हमने हमारे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कंपैरिजन करने की कोशिश की है। तो आपको जैसे अब सब पता है दुबई के बारे में, जर्मनी के बारे में, एंड नाउ यू कैन डिसाइड कि आपको क्या चीज़ें मैटर करती हैं और उसके अकॉर्डिंग आप अपना डिसीजन ले सकते हो कि आपको कौन से कंट्री मूव होना है। और आप लोगों को हम इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो करना चाहिए जिससे कि आपको दुबई के अलावा नई नई बजट ट्रैवल डेस्टिनेशन और हमारे ट्रैवल पैकेजेस के बारे में भी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, बिकॉज हम इस तरह का बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेशनल कंटेंट अपने इंस्टाग्राम पर भी शेयर करते हैं। तो अगर अभी तक आप हम इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करते हैं सो गो चेक आउट आवर प्रोफाइल ऑन इंस्टाग्राम एंड डू फॉलो अस फॉर मोर सच कंटेंट। और गाइस तो आज का वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो देख के बहुत ही अच्छा लगा होगा और इतनी सारी नई जानकारी के बाद में आप बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हुए होंगे। और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें अभी का अभी, क्योंकि इतनी सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको कोई और नहीं बनाकर देगा। और हमारी पर्सनल लाइफ से जुड़े रहने के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं जहाँ पर हम बहुत ही इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग कॉन्टेंट डालते रहते हैं। अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट सैटरडे, अंटिल देन टेक केयर, बाय।